मगध विश्वविद्यालय का विवादों से गहरा नाता है, जहां स्टूडेंट अपनी मांगों को लेकर तो कभी लेट सेशन को लेकर आंदोलन करते नजर आते ही रहते हैं। वहीं अब विवाद पूर्व कुलपति से जुड़ा हुआ सामने आया है। दरअसल पूर्व कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़नी शुरू हो गई है। अब एक बार फिर से विशेष निगरानी इकाई की टीम ने पूर्व कुलपति के गोरखपुर के आवास और शिक्षण संस्थान पर छापा मारा है। हालांकि लंबे समय से फरार चल रहे पूर्व कुलपति एसवीयू के हत्थे नहीं चढ़े हैं। दरअसल मगध विश्वविद्यालय में 30 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले से जुड़े मामले में प्राथमिकी साक्ष्य मिलने के बाद विशेष निगरानी इकाई ने 2021 में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद के ठिकानों पर छापा मारा था। छापेमारी के दौरान एसबीयू को कई अहम दस्तावेज और सबूत हाथ लगे, लेकिन बार बार के नोटिस के बाद भी वो अपने पद के रसूख का इस्तेमाल कर महज एक बार ही एसबीयू के समक्ष पूछताछ के लिए पहुंचे। इस बीच अब एक बार फिर से निगरानी विभाग की टीम ने रेड मारा है। मिली जानकारी के अनुसार एसबीयू ने मामले के जांच अधिकारी को भी बदल दिया है। इस मामले की जांच का जिम्मा एसपी स्तर के अधिकारी चंद्रभूषण को सौंपा है। इसके साथ ही इंस्पेक्टर स्तर के दो अधिकारी भी इसमें लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि निगरानी कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद एसबीयू की टीम ने प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद के आवास और शिक्षण संस्थान में छापा मारा, लेकिन राजेंद्र प्रसाद फरार होने में सफल रहे। सूत्रों की माने तो एसबीयू को उनके ठिकानों की जानकारी मिल चुकी है। जल्द ही इस मामले में और छापेमारी जारी होगी। आपको बताते चले कि गबन मामले में सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने भी उनकी याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसके बाद अब एसबीयू ने राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ अपनी दबिश बढ़ा दी है। एसबीयू ने मामले के जांच अधिकारी को भी बदल दिया है। इस मामले की जांच का जिम्मा एसपी स्तर के अधिकारी चंद्रभूषण को सौंप दी है। बहरहाल आपको बता दें कि उनके ठिकानों पर जो है वो छापेमारी लगातार जारी है, लेकिन इस बीच खबर है कि वो ऐसे लोगों के गिरफ्त से अभी बाहर है जिसको लेकर छापेमारी की जा रही है। बता दें आपको कि मगध विश्वविद्यालय का विवादों से गहरा नाता रहा है, जहां स्टूडेंट अपनी मांगों को लेकर तो कभी लेट सेशन को लेकर आंदोलन करते ही रहते हैं। वहीं अब ये विवाद जो है वो कुलपति से जुड़ा हुआ सामने आया। दरअसल पूर्व कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब एक बार फिर से विशेष निगरानी इकाई की टीम ने पूर्व कुलपति के गोरखपुर के आवास और शिक्षण संस्थान पर छापा मारा है। हालांकि लंबे समय से फरार चल रहे पूर्व कुलपति एसबीयू के हत्थे अभी नहीं चढ़े हैं, जिसको लेकर छापेमारी जो है वो लगातार जारी है।